नमस्कार, मेरा नाम शुभम सिंह है और आप द इंडियन टाइम्स न्यूज देख रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि क्या किसान फिर से ट्रैक्टर रैली निकालेंगे या फिर क्या किसान फिर से लाल किले पर धरना प्रदर्शन देंगे। चलिए देखते हैं पूरी खबर। केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया है। किसान शनिवार 6 फरवरी को देश भर में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक, वापस आपको समय बता दें, 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे। इससे पहले किसान संगठन ने कृषि कानून के खिलाफ विरोध जताते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर 30 जनवरी को दिन भर का उपवास रखा था। किसान संगठन ने दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड भी निकाली थी। हालांकि ट्रैक्टर रैली में काफी बदलाव हुआ। असल में 5 नवंबर 2020 को देश भर में चक्का जाम के बाद पंजाब और हरियाणा में किसान संगठन ने दिल्ली चलो आंदोलन का आह्वान किया। हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की और आंसू गैस की गोली भी दागी, लेकिन प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली पहुंच गए और बॉर्डर पर जम गए। तब से दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का ये धरना प्रदर्शन जारी है। बहरहाल इन कानूनों को लेकर सरकार ने किसानों से 11 दौर की वार्ता हो चुकी है। सरकार की और किसान की 11 बार बात हो चुकी है, यानी कि, मगर कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नए कृषि कानून को 1 से 1.5 साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव दिए, लेकिन किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की गारंटी और इन कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े थे किसान। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है किसानों के द्वारा। इसमें कहा गया है कि 26 जनवरी और उसके बाद दिल्ली में जिन लोगों को भी गैर कानूनी रूप से पुलिस ने हिरासत में रखा है, उनकी तुरंत रिहाई करने का कोर्ट आदेश करे। याचिका में कहा गया है कि 26 जनवरी और उसके बाद टीकरी, गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर में पुलिस ने बहुत सारे लोगों को उठाकर डिटेन कर लिया है, जो पूरी तरह से गैर कानूनी। याचिका में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के भीतर उसे कोर्ट के सामने पेश करना होता है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी डिटेन किए हुए हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ऐसे में कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया जाए कि पुलिस गैर कानूनी रूप से डिटेन लोगों को तुरंत रिहा करे, ऐसा किसान का कहना है उस हाईकोर्ट के याचिका में, जो उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, उसमें उन्होंने ये लिखा है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर, जिसमें हमने आपको बताया कि कल 6 फरवरी 2021 को दोपहर 12 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे किसान। और हाँ, आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में ये चक्का जाम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा किसान नेताओं ने कहा है कि ये पूरे भारत में होगा लेकिन दिल्ली में इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इंडियन टाइम्स न्यूज से खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर कर दे। धन्यवाद।